ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਚ ਪਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹਮਾਰੇ ਸਭੀ ਸਾਥੀ ਮੰਚ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਭੀ ਸਾਥੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੈਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨਕੇ ਨਾਮ ਆਪਨੇ ਸੁਨੇ ਹੋਣਗੇ एक है नीदरलैंड्स हॉलैंड भी कहते हैं एक बेल्जियम स्वीडन स्विट्जरलैंड हंगरी ऑस्ट्रिया सिंगापुर न्यूजीलैंड मैंने अभी आपके सामने कुछ देशों के नाम लिए इसमें कोई कॉमन चीज देखिएगा क्या कॉमन चीज क्या है साथ में मैं दिल्ली का नाम भी लेता हूं इसके साथ कुछ देशों के नाम लिए और मैंने दिल्ली का नाम लिया तो कॉमन चीज ढूंढिए क्या कॉमन है ये सारे के सारे देश दिल्ली की आबादी ऑफिशियल आबादी आप 1,90,00,000 रुपए 1,90,00,000 आदमी है और इन सभी देशों की आबादी दिल्ली से कम है इस संसार के अंदर जो ऑफिशियल लिस्ट है 233 देश है 233 देशों के अंदर दिल्ली का अगर स्थान देखा जाए तो 60वें नंबर पे आता है और उससे नीचे 173 देश मैं राज्यों की बात नहीं कर रहा 173 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी जिनकी जनसंख्या दिल्ली से कम है दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ न्यूजीलैंड की 50 लाख सिंगापुर की 56 लाख ऑस्ट्रेलिया की 87 लाख तो स्वीडन की 1 करोड़ मतलब जो बड़े बड़े फेमस देश हैं उनकी आबादी दिल्ली से कम है सिर्फ दिल्ली से ज्यादा आबादी वाले दुनिया में 60 देश हैं और दिल्ली से कम आबादी वाले 173 देश हैं अब मैं आपको दूसरी बात करता हूँ कुछ राज्यों के नाम लेता हूँ मैं दिल्ली दिल्ली को भी राज्य नहीं मानते फिर भी मैं नाम लेता हूँ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश गोवा सिक्किम अब इनका दिल्ली से क्या संबंध है दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ सिक्किम की आबादी 6 लाख दिल्ली की आबादी 2 करोड़ गोवा की आबादी 15 लाख दिल्ली की आबादी 2 करोड़ उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ दिल्ली की आबादी 2 करोड़ हिमाचल की आबादी 68 लाख एक फर्क है दिल्ली राज्य नहीं है वो पूर्ण राज्य है गोवा की आबादी 15 लाख दिल्ली की आबादी 2 करोड़ 15 लाख की आबादी वालों को अपने फैसले लेने की पूरी ताकत है उनके पास वो जो चाहे अपने राज्य में कर सकते हैं दिल्ली वालों को नहीं है ये भी चलेगा चलो मैं यूनियन टेरिटरी बताता हूं कहते दिल्ली यूनियन टेरिटरी है कुछ यूनियन टेरिटरीज के नाम लेता हूं चंडीगढ़ चंडीगढ़ की आबादी 10 लाख दिल्ली की 2 करोड़ अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार की आबादी 4 लाख दिल्ली की 2 करोड़ लक्षद्वीप उसकी आबादी 64,000 दिल्ली की आबादी 2 करोड़ आप खुद समझिएगा इस देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जो कि पूर्ण राज्य ना हो उसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो दिल्ली को छोड़ एक भी राज्य इस देश में ऐसा नहीं है कि जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो और वो पूर्ण राज्य ना हो सिर्फ दिल्ली है अब ये कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए हम दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं बना सकते पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे बीजेपी और कांग्रेस वाले तब से कहते थे हमें वोट दे दो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे क्यों बनाएंगे कि दिल्ली का विकास हो सकेगा और जब भी सत्ता में आए कहते दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं बना सकते क्योंकि दिल्ली राजधानी है एग्जाम्पल ये दो देशों का देते हैं हमेशा एक देते हैं वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का और दूसरा देते हैं ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा का
वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन स्टेट के अंदर छोटा सा एरिया है जिसकी आबादी 6 लाख से कम है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, वॉशिंगटन डीसी की आबादी 6 लाख है। इसी प्रकार जो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाई गई है, उसकी राजधानी की जनसंख्या कुछ लाख है, दिल्ली की तरह 2 करोड़ नहीं है। तो हमारी पार्टी का ये कहना है कि भाई केंद्र सरकार को अगर कुछ चलाना ही है तो एनडीएमसी एरिया का अपने पास रख ले। एनडीएमसी एरिया के अंदर जो पुलिस है अपने पास रखे, जो कुछ रखना अपने पास रखे, बाकी पूरी दिल्ली को आजाद कर दे। जैसे भी बाकी राज्य बनाए गए, उत्तराखंड का बना 2000 में, उससे पहले वो भी राज्य नहीं था, एक राज्य का पार्ट था। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, गोवा 1987 में बना, उससे पहले वो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। मुझे समझ नहीं आया कि गोवा के अंदर ऐसी कौन सी समस्या थी जो दिल्ली में नहीं है। गोवा को तो आपने यूनियन टेरिटरी से बदल के पूर्ण राज्य में बदल दिया, पर दिल्ली को नहीं बदला। ऐसा क्या कारण है दिल्ली को ना बदला जाए, उसका कारण मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं करते ये। इसके पीछे क्या राज है, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली है कमाऊ भूत, कमावन बेटा, कमाने वाला बेटा है। दिल्ली पूरे देश के इनकम टैक्स के अंदर 1,30,000 करोड़ रुपए जमा कराती है दिल्ली, और पूरे देश का इनकम टैक्स 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपया, यानी जितना इनकम टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से 12-13% दिल्ली जमा कराती है। केंद्र सरकार जो वो इनकम टैक्स है उसको सभी राज्यों में बांटती है दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली देती है 1,30,000 करोड़ रुपए और वापस मिलते हैं 325 करोड़ रुपए। समझ में आया कितने, 1% बनाते तो भी 1,300 करोड़ बनते हैं, 1/4 1/4% मिलता है वापस। भाई दिल्ली वालों का कितना हक होना चाहिए कोई बताएगा, कितना परसेंट होना चाहिए अंदाजा तो लगाओ। इधर से 30% आवाज आ रही है, इधर से 50% की आवाज आ रही है, वो कह रहे सारा का सारा आना चाहिए। अब जो जीएसटी है, जीएसटी के अंदर केंद्र सरकार ने क्या कहा कि आधा सरकार तो आधा राज्य को देंगे, आधा केंद्र देगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई इनकम टैक्स में से हम मानते हैं कि केंद्र के भी खर्चे हैं, उसमें कुछ रख लो, कुछ तो वापस दे दो भाई। कम से कम आवाज 30% की आई है, ज्यादा से ज्यादा 100% की आई है, कम से कम 30% को वापस कर दो। 30% वापस करते हो तो 39,000 करोड़ 39,000 करोड़ रुपए एक साल के बनते हैं। ये कुमाऊं भूत है, इसे छोड़ना नहीं चाहते इसको। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई सरकार है और समस्या को दूर करना चाहे तो कर पाएगी नहीं कर पाएगी? कर पाएगी। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये जो पूरी की पूरी केंद्र सरकार है, ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार के मंत्री नेता अफसर जितने रहते हैं सारे एनडीएमसी में रहते हैं। अभी जाते हैं हम वापस एनडीएमसी में चले जाना, और उसके बाद भुराड़ी चले जाना, उसके बाद गांधीनगर चले जाना, उसके बाद किराड़ी चले जाना। आप देखोगे कि वही पैसा जो दिल्ली सरकार का पैसा है, उस पैसे से एनडीएमसी से चमका दी उन्होंने, बाकी दिल्ली को चमकने नहीं दिया। अब ये बताओ, अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जहां पे बच्चों को आईआईटी में पढ़ाया जा रहा है वहां पर आप प्ले स्कूल खोल दो, जो प्रिंसिपल है वो प्ले स्कूल के बच्चों का ध्यान रखेगा कि आईआईटी के बच्चों का ध्यान रखेगा, ये बता देना। केंद्र सरकार एनडीएमसी का ध्यान रखेगी कि बुराड़ी का ध्यान रखेगी? केंद्र सरकार गांधीनगर का ध्यान रखेगी कि एनडीएमसी का ध्यान रखेगी? केंद्र सरकार खिड़की का ध्यान रखेगी कि एनडीएमसी का ध्यान रखेगी, ये बता दो। अच्छा एक चीज बताइएगा, कहते दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बड़ी कमजोर है, ऐ नहीं है,
दिक्कत होती है, आपके यहाँ चेन स्नैचिंग होती है, बहुत होती है, इंटीजिंग होती है, छेड़छाड़ होती है, रोज होती है, क्राइम हर रोज होता है, पर एनडीएमसी एरिया में क्यों नहीं होता? पुलिस तो दिल्ली पुलिस ही है, क्योंकि उसके बॉस वहां बैठते हैं, एनडीएमसी एरिया में बैठते हैं बॉस, इसलिए एनडीएमसी एरिया की सुरक्षा करते हैं, बाकी जरूरत ही नहीं उनको। दिल्ली को इन्होंने एक तरह से उतला व्यवहार कर, भाई जब पूरे देश के अंदर 10 लाख से आबादी जिसकी भी ज्यादा हुई उसको उन्होंने पूर्ण राज्य बना दिया, तो दिल्ली को 10 लाख या 2 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी दिल्ली को पूर्ण राज्य क्यों नहीं बनाते? कई लोग कहते हैं यार बनाए या ना बनाए हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्क बताता हूं मैं आपको, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बुक भोगी हूं, मेरी बेटी के इस साल 12वीं क्लास में 90% नंबर आए हैं, 90% नंबर आने के बावजूद दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। इस हॉल के अंदर कितने लोग बैठे होंगे जिनके बच्चों के नंबर 90% ही 90 से ज्यादा भी आए होंगे, परंतु उन्होंने अपने पड़ोसियों को लड्डू नहीं खिलवाए, बच्चे के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आई कि 90% नंबर आ गए हैं तो कुछ हमने कुछ बड़ा काम कर दिया। क्यों? अगर किसी भी राज्य में आप जाते हैं, दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य के अंदर हैं, तो वहां पे 85% सीटें उस राज्य के बच्चों को मिलती है, 15% सीटें बाकी राज्य के लोगों को मिलती है। दिल्ली का बच्चे को दिल्ली में भी नहीं मिलती, बाहर भी नहीं मिलती। अपनी मां को मां नहीं कह सकते, मौसी को मौसी नहीं कह सकते। पर क्या पाप किया था? एक सज्जन मेरे पास आए, गोरखपुर में रहते थे, कि भाई साहब गलती कर दी। मैंने क्या कर दी? कहते 3-4 साल पहले दिल्ली में आ गया नौकरी करने के लिए, गोरखपुर में 25,000 मिलते थे, यहाँ पे 40,000 मिलने लगे। मैंने सोचा कि 40,000 मिलते बड़ा अच्छा काम हो गया, मुझे क्या पता था 4 साल में मेरी स्थिति होने वाली है। बच्चे ने 12वीं पास कर ली, कहीं एडमिशन ही नहीं मिलता। अगर वहां पे रहता तो 85% सीटें थी, बच्चों को तुरंत एडमिशन मिल जाता। अरे हम कब कह रहे हैं दिल्ली जो है 90% दिल्ली में लोग बाहर से आके रहे हैं, दिल्ली पूरे देश की दिल्ली है, पर जिसने दिल्ली में आके पढ़ाई कर ली तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? हमारी दिल्ली के अंदर देखिए बहुत सारे इस्लाम है, झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से बनी हुई है। हमने कहा था हम सबको घर बना के देंगे, पक्का घर बना के देंगे। अब घर बनाने के लिए एक तो सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए? जमीन, बिल्कुल सबको पता जमीन चाहिए। अब जमीन के ऊपर कब्जा केंद्र सरकार का, कहते हैं केंद्र सरकार करेगी, कहते हम जमीन देंगे तो बना लो। अभी वो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई जिससे हवा में मकान बन सके, जमीन पे बनेंगे, जमीन तो चाहिए। केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कब्जा करके बैठी है, कहते लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में रहेगा, दिल्ली के लोग त्रस्त रहेंगे, सिर्फ एनडीएमसी का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से वो कहते हैं एडमिशन होंगे, आपको स्कूल नहीं बनाने देंगे, कॉलेज नहीं बनाने देंगे। हम कहते हैं जी हम गरीबों के लिए घर बना के देंगे, तो बिना जमीन के बना लो, जमीन को हम नहीं देंगे। अब मैं पूछता था तो सरकार के जरूरी कामों में से क्या क्या काम है? एक सबसे बड़ा जरूरी काम है करप्शन को खत्म करना। कहते हैं दिल्ली में करप्शन को खत्म होने नहीं देंगे। अनंतर सिंह की याद है, अनंतर सिंह में क्या हुआ करता था? दिल्ली के अंदर कोई 100 रुपए मांग के दिखा सकता था? कोई नहीं मांग सकता था। आज दिल्ली के अंदर ना तो एसी की दिल्ली सरकार के पास है और ना ही सर्विसेज है, तो आज इन्होंने करप्शन को बढ़ावा दिया। मैं एक एग्जांपल दूंगा करप्शन के बारे में। करप्शन को दो तरह से खत्म कर सकते हैं, पहला डंडे से और दूसरा सिस्टम से। दिल्ली सरकार ने बिल पास किया, दिल्ली विधानसभा के अंदर पास किया स्वराज बिल। स्वराज बिल के अंदर क्या था कि दिल्ली का पूरी दिल्ली को 3,000 हिस्सों में बांटा गया, और 3,000 हिस्सों के जो भी वोटर थे वो 1 महीने में या 2 महीने में मिलेंगे, और जो भी काम उन्होंने करना है वो खुद फैसला करेंगे
और जो अधिकारी हैं उनको काम करने का आदेश देंगे। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि ऊपर से एक रुपया चलता है, इनके तक टोला कैसे पहुंचते हैं। हमने कहा ये बीच की ट्रेन खत्म कर दो, सीधा एक रुपया जनता को दे दो। हमें ये पास किए हुए बिल पास किए हुए 2.5 साल हो चुके हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए वो बिल केंद्र सरकार के पास रखा हुआ, वो उसको पास नहीं करते। पास करने की जब तक उनके साइन नहीं होंगे तब तक लागू नहीं होगा। वो कहते भाई साहब तुम्हें तो कुछ चाहिए नहीं, अगर जनता पे सारी पावर वापस चले गई तो हमको नमस्ते भी नहीं करेगा। अरे हाँ, हमें ये नमस्ते नहीं चाहिए, हमें जनता की पावर जनता को वापस करनी, इसीलिए आए थे और इसी को करने के लिए पूर्ण राज्य की जरूरत है। सरकार का एक काम होता है लोगों को न्याय दिलवाना। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, कहते ये भी आपके पास नहीं है जी। अरे भाई दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ, पूरे देश में आप 10 साल में फैसला करेंगे, दिल्ली में तो 6 महीने में हम करवा के दिखा देंगे, जितनी कोर्ट बनानी है बनवा देंगे, जब जगह नहीं देंगे बना लो। कोई भी अच्छे से अच्छा लॉ बना लो। देखिए दो तरह की लिस्ट होती है, 3 तरह की लिस्ट। एक केंद्र सरकार है उसको कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। कोई भी कानून बनाने के 3 तरीके होते हैं, केंद्र सरकार बना सकते हैं सेंट्रल लिस्ट है, उसमें कानून बनेगा पूरे देश पे लागू होगा। दूसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें राज्य भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर राज्य बनाता है राज्य का लागू होगा, केंद्र ने बनाया तो केंद्र का लागू होगा। और तीसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, जैसे शिक्षा है स्वास्थ्य है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, कि केंद्र राज्य सरकार जो मर्जी कानून बनाए उसको लागू कर सकती है, उसमें केंद्र की दखलंदाजी नहीं होती। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एक ही लिस्ट है, बाकी सभी राज्यों में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। दिल्ली में एक लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट। दिल्ली सरकार कोई भी अच्छे से अच्छा कानून पास करके भेजे उसको केंद्र से पास कराना पड़ेगा, केंद्र सरकार कभी पास ही नहीं करती। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल जिसके लिए हम सड़कों पर लड़े थे, उस लोकपाल बिल को पास किए 2.5 साल हो गए, 2.5 साल। ये हमसे कहते हैं लोकपाल बिल काम गया, उनसे पूछो तुम्हारे मामाजी के पास रखकर तुम्हारे टेबल पर रखकर 2.5 साल से रखकर तो पास करो, साइन कर दो। साइन कैसे करते हैं, इन चोरों को पता लग जाएगा कि जिस दिन वो लोकपाल बिल साइन हो गया तो अभी नए नए बनाए थे, ईमानदार बनाए थे आपने, एक साल पहले का किस्सा पता होगा। एमसीडी के अंदर बीजेपी ने क्या कहा कि हमारे सारे काउंसलर बेईमान हैं, खुद ही कायम उन्हें सारे चोर हैं जी, हम सारे बदल डालेंगे। उन्होंने सारे काउंसलर बदल दिए, चोरों को बदल के क्या लेके आए, महाचोर आ जाते। इसलिए पास नहीं कर रहे, लोकपाल जो साइन कर दो तो इन महाचोरों को बताएंगे कहां रहना चाहिए, उनको भाग जाएंगे इस तरह से। इसलिए साइन नहीं कर रहे, दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, दिल्ली की आइडेंटिटी के लिए। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को चुनती है, अपने वोट से चुनती है। उस मुख्यमंत्री के पास जब काम कराने के लिए जाती है तो पता लगता है मुख्यमंत्री के पास तो पावर ही नहीं, ये तो गलत है। अगर आप हरियाणा में वोट देते हैं, यूपी में वोट देते हैं, हिमाचल में वोट देते हैं, पंजाब में वोट देते हैं, आपके वोट की पूरी कीमत है, और दिल्ली में वोट देते तो आपके वोट की कीमत चौथाई है, ये नहीं चलेगा। लोग कहते हैं आप लोकसभा का वोट भी तो देते हैं। सर लोकसभा का वोट पूरे देश के मुद्दों पर होता है, देश के मुद्दों पर आ जाता है। उस टाइम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, उसके ऊपर वोट देंगे। हमने तो जनता ने, दिल्ली की जनता ने जो 700 की 700 सीटें बीजेपी को दी थी और 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, इसलिए दी थी कि दिल्ली को केजरीवाल जी चलाएंगे और सेंटर को अपना मोदी जी चला लेंगे। अरे वो अपना सेंटर चला लेंगे, हम दिल्ली चलाने के लिए। ये पहली बार ही देखा है कि दौड़ लग रही है तो दौड़ को जीतने का तरीका क्या होता है कि भाई दूसरे से ज्यादा तेज हो, और ये क्या कहते हैं कि इनको लड़ाई मारो, हर रोज लड़ाई मारते हैं, हर रोज लड़ाई मारते हैं। एक एग्जांपल दूंगा बस लास्ट आपको, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने 162 मोहल्ला क्लिनिक बना भी दिए। उसके बाद 1.5 साल तक एल जी साहब उस पर कुंडली मार के बैठ गए, कहते हैं पास नहीं करूंगा ये फाइल, पास नहीं करूंगा, धरना देके उनके घर में बैठे जाके। तब उन्होंने फाइल साइन कर दी, उन्होंने फाइल साइन कर दी तो
तो कहते कोई बात नहीं बना लो। जैसे कौरवों ने कहा था ना कि सुई की नोक के बराबर ही जमीन नहीं देंगे क्योंकि सारी जमीन इनके पास है, कहते मोहल्ला के लिए बनाने के लिए एक सुई की नोक के बराबर जमीन दी देंगे, बना के दिखाओ। अरे इनको हम बताते चैलेंज करते हैं, तुम दो मर्जी कर लेना, हम जनता से जमीन मांग लेंगे, हम बना के दिखाएंगे 1000 मोहल्ला की जमीन खड़े करके दिखाएंगे। इन्होंने कितना परेशान किया है एक चीज बताता हूँ, अभी आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली सरकार ने कहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इन हॉस्पिटल्स के अंदर जो दवाइयों के दाम के ऊपर तो कंज्यूमेबल्स के दाम के ऊपर ये कई कई लोग ना प्रॉफिट लेते तो हम रोकेंगे। एग्जाम्पल ये बताता हूँ, एक इंजेक्शन लगता है 20,000 रुपये का आता है, 10 लोगों को लगाया जाता है 2,000 रुपये का पड़ता है, तो 70,000 रुपये की बिलिंग करते हैं। अरे तुमने तो नहीं बनाया, मार्केट से खरीदा है 2,000 रुपये का, तो 2,000 का खरीदे तो 3,000 का लगा लो ज्यादा से ज्यादा 70,000 का लगाते। हमने जिस दिन ये पॉलिसी बताई उससे अगले दिन एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरे घर से बीए वाले आगे घूमने के लिए, मैंने क्या मिल गया कि सर जी क्या करें ऊपर से प्रेस्टर रिपोर्ट जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाए बिना दिल्ली की जनता जो चाहती है वो करवा नहीं सकती। अगर दिल्ली के अंदर कहीं पर कोई क्राइम होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज की डेट में जिम्मेदारी है एलजी की या गृह मंत्री की या प्रधानमंत्री की। केंद्रीय गृह मंत्री से प्रधानमंत्री से एलजी साहब से इस हॉल में बैठा हुआ एक भी आदमी एक महीने में मिलकर दिखा देना, वही दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को दे दो। मैं होम मिनिस्टर हूं, बेहतर रात को 2 बजे मुझे आके जगा लेना और 3 बजे जाके मुख्यमंत्री को जगा लेना, जगा सकते हैं, जगा सकते हैं। इसलिए पूर्ण राज्य की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।